दिस इज सोयाली, वेलकम टू न्यूज एंड चैनल। दो तारीख के दिन लकड़ी के पुल पे एक्सीडेंट जो हुआ 11:30 के टाइम पे, और उसको टिप्पर वाले को नहीं पकड़े, क्या लो तो उसके हमारी बहन के साथ इंसाफ होना, हमारी बहन के साथ इंसाफ होना। 3 दिन हो गए, अब तक कुछ भी जवाब नहीं है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। सैफाबाद पीएस अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, कुछ भी क्या लो तो अब तक कुछ भी जवाब नहीं आया। पुलिस से तो उम्मीद है हमको मगर इंसाफ होगा, मगर हमारे हक में इंसाफ होना। हमारे को इंसाफ होना, बल्कि 3 दिन हो गए अब तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। दो ही बात है ये, मेरी बहन है रजिया बेगम, 35 ईयर्स थे, जहानुमा में उनका ससुराल था, एरागढ़ में सुल्तान नगर में मायका था उनका, सुल्तान नगर से क्या सो यहाँ आ रहे थे ना जहानुमा लकड़ी के पुल पे चौरस्ते पे 1212 पे पिल्लर नंबर साथ इंसाफ होना। जो टिप्पर वाला मारा उसके उसको जेल होना, कुछ भी होना, क्या ना पुलिस से हमारे को उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, बोल के उसको पकड़ के कुछ तो कुछ इंसाफ करो हमारे साथ में, हमारे हक में। सर महमूद अली के इंसाफ दिलाना हमारे को, सिटी पुलिस कमिश्नर से हमारे को क्या गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ चाहिए। हो गया अब तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमारे को क्या लो इंसाफ चाहिए। साइबर पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे, सैफाबाद के ये हम चक्कर मार रहे, नहीं तो रिपोर्टरों को पूरा अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। सुल्तान नगर से उन जा रहे थे जहनुमा के लिए, अभी तक उन सब कुछ इंसाफ नहीं हुआ। अब अमौला साहब से हम गुजारिश है कि उन कुछ करे, ना ही हम आपको कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे, आदमी पकड़ा या नहीं पकड़ा गया, चाहते हैं कि हम उसको पकड़ो और कुछ हमारे लिए करे। 3 दिन से फिर रहे कंटिन्यू, क्योंकि उसको पकड़ो बोल रहे, हम आदमी को पकड़ के इंसाफ करें, जेल अभी तक उसको पकड़ना चाहिए था, उसको जेल में डालना चाहिए था या कुछ हमको डिटेल देना चाहिए था। एक हमारे घर की एक जान चले गई, अब हम चाह रहे कि उसको पकड़ो, उससे कुछ मालूम करो। इस तरीके का रहा तो शहर में ये हाल है, तो गाँव में क्या होगा, फिर दूसरे कंट्रीज में क्या है, अच्छी जगह पर देखे तो अच्छा रहेगा ना। रजिया बेगम जा रहे थे, जाते वक्त 11 बजे निकले घर से, उसके बाद खाना वाना खा के 20 मिनट में फ़ोन आ गया कि टक्कर हो गई, बोल के टक्कर हो गई बोलते बच्चे पूरे भाग के गए। जाने के बाद तक उनका दम उम कुछ नहीं था, ख़त्म हो गए उन्होंने। फिर हम लोग पूरे जने हमारे बच्चे उच्चे सब भाग के आए, आज तक उठा के फिर लेके गए अंदर, लेके जाके पोस्टमार्टम करे, अभी तक हमको कुछ इंसाफ नहीं मिला। लगा कुछ भी इंसाफ नहीं मिला, पुलिस वाले कुछ बात नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, हमको इंसाफ चाहिए बस। दो तीन टक्कर हुए से दूसरे थे हम, गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए बस।